Yes. Students, in this video, we will discuss about operations on series objects. Means, we can perform different operations on series objects. As you have worked with list or dictionaries or numpy arrays, with those objects, you also have performed some operations like किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज करना है, डेटा को चेंज करना है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे, तो आप वो वहां पे कर सकते थे लिस्ट में, है ना। तो इसी तरह से सीरीज ऑब्जेक्ट में भी आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, वो है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। मीन्स सीरीज ऑब्जेक्ट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको किस तरह से चेंज करना है। अब देखिए, फर्स्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है और वो ऑब्जेक्ट है ob1। तो देखिए किस तरह से मैं अभी चेंज करके बताती हूँ आपको। ob1 मैंने डिस्प्ले किया, आपको यहाँ दिखा दिया है। तो ob1 में जो आइटम्स हैं, सपोज जो ये दादरी है, पोजीशन 1 पे एलिमेंट है दादरी, 10 इंडेक्स पे, 10 इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट दादरी है, मैं उसकी जगह एक एलिमेंट डालना चाहती हूँ और डेटा को चेंज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे सोनीपत डालना चाहती हूँ। तो देखिए किस तरह से मुझे करना है, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट का नेम यूज करूंगी, प्लस साथ में मुझे यहाँ इंडेक्स प्रोवाइड करना है इस सीरीज का, कि कौन से इंडेक्स पे मुझे ये चेंजेस करने हैं। तो इंडेक्स है 10, इस सीरीज का ये दादरी एलिमेंट है, ये कौन से इंडेक्स पे है, 10 इंडेक्स पे है। तो मैं इसको 10 इंडेक्स पे क्या करूंगी, चेंजेस करूंगी और मैं आइटम डाल रही हूँ यहाँ पे, एलिमेंट ऐड कर रही हूँ सोनीपत। तो ये प्रीवियस वन को क्या करेगा, रिप्लेस कर जाएगा। अब मैं ob1 को फिर से डिस्प्ले करके दिखा रही हूँ, ये देखिए ob1 के थ्रू आपने चेक किया कि इसने सोनीपत रिप्लेस कर दिया दादरी से, ठीक है। ये देखिए पहले दादरी था, अब यहाँ पे है सोनीपत। तो ये वैल्यू आप देख रहे हैं कि सोनीपत है और पहले क्या थी, पहले यहाँ पे वैल्यू दादरी थी, ठीक है। तो इसको जब आप चेंज करते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, सीरीज का जो आपने इंडेक्स यूज किया था, ये इंडेक्स जो है, यहाँ से मैंने ये वाला इंडेक्स यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पोजिशन मैंने नहीं ली है, मैंने इंडेक्स वैल्यू यूज किया है। अब एक और चीज, अगर आप एक पर्टिकुलर स्लाइस में चेंजेस करना चाहते हैं, कांस्टेंट वैल्यू स्लाइस में चाहते हैं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर स्लाइस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि एक मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, ये ऑब्जेक्ट था मेरा S8, ठीक है। तो S8 है ऑब्जेक्ट, S8 को मैं डिस्प्ले करके दिखाती हूँ आपको। S8 में जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो देख सकते हैं आप, ABCD इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गिवन है। तो यहाँ मैं आपको स्लाइस पे जो ऑपरेशंस हैं, मॉडिफाइंग ऑपरेशन है, वो परफॉर्म करके दिखाती हूँ। तो S8 पे हम एक स्लाइस उठाते हैं पहले S8 का, और इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम 0 पोजीशन से और इसको एंड करते हैं हम, मींस कहाँ तक हम परफॉर्म करेंगे, हम इसको 3 तक उठा लेते हैं, ठीक है। मींस फर्स्ट 2 एलिमेंट्स पे हम क्या करना चाहते हैं, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स पे हम क्या करेंगे, इसकी स्लाइसिंग करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, सपोज मैं सभी में 40 वैल्यू देना चाहती हूँ। तो अब देखिए ये किस तरह से रिटर्न करेगा, S8 को अब डिस्प्ले करके दिखा देती हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पे इसने जो रिटर्न किया S8 ने रिटर्न किया, ये मैंने 0 से लेकर के 3 इंडेक्स, मतलब 0 से 2 इंडेक्स की जो वैल्यूज थी उन पर इसने क्या किया, 40 अप्लाई किया, सॉरी इंडेक्स नहीं पोजीशन है। तो 0 पोजीशन पे ए है, ए की वैल्यू 40, 1 पोजीशन पे बी है, बी की वैल्यू 40, और 2 पोजीशन पे 40 है तो इसकी वैल्यू भी 40, और 3 को ये ट्रावर्स नहीं करेगा क्योंकि 1 एक ये -1 ही रहती है इसकी लेंथ, तो
तो 3-1 2 तक ही ट्रावर्स करेगा। ये थी हाउ टू मॉडिफाई एलिमेंट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद है रीनेमिंग इंडेक्स। अगर आप किसी पर्टिकुलर ये इंडेक्स को रीनेम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये तो थे डेटा को आपने कैसे मॉडिफाई किया, अब इंडेक्स को कैसे रीनेम करते हैं वो भी अभी बताती हूँ आपको। यस, अब देखिए रीनेमिंग इंडेक्सेस। रीनेम इंडेक्स अगर हमें रीनेम करने हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है मेरा SH, है ना, तो इस S8 ऑब्जेक्ट में मेरे इंडेक्सेस थे A, B, C, D। तो डेटा को तो आप स्लाइस के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं, इंडिविजुअल डेटा को भी आप चेंज कर सकते थे यूजिंग इट्स इंडेक्स। बट अगर आपको इंडेक्स को चेंज करना है तो अगेन यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल द इंडेक्सिंग, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स थे उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पूरा का पूरा इंडेक्स की लिस्ट फिर से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एक सिंगल डेटा या एक सिंगल इंडेक्स को आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, आपको जो चेंजेस करना है उस लिस्ट में ही चेंजेस करेंगे। देखिए किस तरह से S8 है और S8 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, आपको एक लिस्ट यहां स्पेसिफाई करनी है दोबारा से, अगेन आपको लिस्ट देनी है। सपोज मैं यहां दे रही हूं इंडेक्सिंग मेरी स्टार्ट हो रही है, सेक्शंस मेरे हैं यहाँ पे ए है ए, और फिर नेक्स्ट है मेरा सेक्शन डी, और फिर नेक्स्ट सेक्शन है मेरा ई, और नेक्स्ट सेक्शन है जी, और फिर नेक्स्ट सेक्शन है एच। देखिए यहाँ एच को मैं नहीं डाल सकती क्योंकि प्रीवियसली फोर एलिमेंट्स थे सीरीज ऑब्जेक्ट में, और अब मैं यहां अगर फिफ्थ एलिमेंट को डालूंगी ना, इट्स नॉट पॉसिबल, तो मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सीरीज ऑब्जेक्ट में हम इंडेक्सेस को जो इंडेक्स हैं उनको एड कर उनको अपडेट कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग न्यू इंडेक्स लिस्ट अगेन, एंड डेटा एलिमेंट्स को हम अपडेट कर सकते हैं वैल्यूज को थ्रू इट्स इंडेक्स। बट हम सीरीज के ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते। एक बार अगर हमने उसका साइज जो उसमें इंडेक्सेस थे उसमें एलिमेंट्स थे एक बार जितना डाल दिया वो उतना ही रहेगा, ना तो कोई इंडेक्स अभी आप रिमूव कर पाएंगे और ना ही उसमें से कुछ उसमें कुछ ऐड कर पाएंगे। तो देखिए ये था, हमने इंडेक्स को यहाँ पे चेंज कर दिया, तो अब इंडेक्स आपके जो है दूसरे कुछ चेंज हो गए हैं, दूसरे मैंने स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे इंडेक्स दिए हैं तो अब ये स्मॉल लेटर्स से इंडेक्स रिप्लेस हो गया। अगर आप किसी सिंगल इंडेक्स को भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो फिर भी आपको कंप्लीट इंडेक्स लिस्ट फिर से प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये है आपका रीनेमिंग इंडेक्सेस। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत इजीली आप कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक 2 or 3 टॉपिक्स और कवर करके दे रही हूँ। तो आज जितने भी मैं वीडियो सेंड करूंगी डाटा फ्रेम से पहले पहले आपको सारे के सारे अच्छे से देखने हैं और करने हैं। ओके, तो ये आपका था इंडेक्स से रिलेटेड।